देशभक्त के न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ये तस्वीरें जो है गोहाना के सोनीपत रोड के आशीर्वाद गार्डन की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर किन्नर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर विभिन्न राज्यों से किन्नर यहां पहुंचे, जहां पर उन्होंने देश के हित के लिए दुआएं मांगी, औलाद के लिए दुआ मांगी और पूरा देश जो है अच्छे से रहे और सद्भावना बना के रखें। इसके अलावा काफ़ी जो है उन्होंने कामना इस देश और प्रदेश के लिए मांगी है। और बता दें कि किन्नर समाज का ये सम्मेलन 2 दिन चलने वाला है, आज और कल 2 दिन जो है ये सम्मेलन चलने वाला है, जहां पर विभिन्न राज्यों से लगभग 1000 के आसपास जो है किन्नर समाज के जो लोग हैं वो यहां पहुंच रहे हैं और के अपने अपनी जो है अलग अलग स्टेट से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, उत्तराखंड से के अलावा काफ़ी अलग अलग राज्यों से यहाँ पर किन्नर पहुँच रहे हैं, जहाँ पर किन्नरों गोहाना किन्नर के जो लोग हैं वह उनका फूलमालाओं से स्वागत भी कर रहे हैं। और जब किन्नर समाज के दूसरे लोग आते हैं तो उनके फूलमालाओं से स्वागत किया जाता है और नाच गाने के साथ जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। आप सभी से अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्वीटी जी, आज सम्मेलन आपका है, कितने दिन का कार्यक्रम है? पहली बार तो नमस्कार सब मेरे देशवासियों को, मेरे जजमान को, बच्चे वाले को, पुतों वाले बच्चों को, सबको तो नमस्कार मेरा। हाँ जी, बच्चों के लिए दुआ मांगने के लिए सम्मेलन हुआ है गोहाना के अंदर। बच्चों के लिए सुख शांति रहे, हरी बीमारी ना आवे, कोरोना काल से बचाव हो, मेरे जजमान के बच्चे सुख शांति से रहे, ऐसे मेरे डांगर पशुओं में मेरे जजमान में सुख शांति रहे, खेती बाड़ी में मेरे जजमान के साथ हमारी दुआ लगती है, दुआ है हमारी उनके साथ, हमेशा उनके साथ हम जुड़े हुए हैं, खुश रहो मेरे जजमान और मेरी बोलेगी बोलोगी। क्या नाम है आपका? जी मैं मनीषा महंत, गुला चिका, हरियाणा कैथल से। आज हम सब महंत किन्नर समाज यहाँ गोहाना के अंदर इकट्ठा है और हम सब ने मिल करके यहाँ पे महाकिन्नर सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें तमाम तर पूरे भारत से विभिन्न समुदायों के किन्नर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे गोहाना वासियों के लिए, हमारे जजमानों के लिए, हमारा दाता जजमान जो कि हमें खाने के लिए देता है, उनके बच्चों के लिए, उनके कारोबार के लिए यहाँ पे प्रार्थनाएं की जा रही है। महामाई का सत्संग, जागरण, भवन वगैरह सब आयोजन किया जा रहा है और बस यही हम तो आशीष करते हैं बच्चों वालों के लिए कि मालिक उनको दे तो उनसे हम हाथ जोड़ करके ले लेंगे। हाँ, गिले शिकवे होते रहते हैं समाज में, जहाँ पे हम समाज में रहेंगे
वहाँ पे गिले शिकवे होना जायज है, और बच्चों वालों को हमारे ऊपर सरोकार है, हमें उन पे सरोकार है, जाहिर सी बात है, तो नोक झोंक तो चलना आम बात है। लेकिन मैं बच्चों वालों से, मेरे दाता जजमान से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जितना आप लोगों ने जोर शोर एकता किन्नरों के लिए दिखाई है कि इनको इतनी बधाई दो, इतनी दो, कहीं अगर आपने इतनी ही एकता, इतना ही जोश भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ, करप्ट ऑफिसरों के खिलाफ, बलात्कारियों के खिलाफ, चोरों के खिलाफ, डकैतों के खिलाफ और भ्रष्ट राजनीति के खिलाफ दिखाया होता, तो मैं समझती हूँ कि आज मेरा देश सोने की चिड़िया होता। और रही बात हमारे किन्नर समाज की, आप हमें 100 दोगे हमें वो भी मान्य है, 500 दोगे वो भी, 1100 दोगे वो भी, हम आपका विरोध नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आप भी ऐसा कहर ना गुजारिए, क्योंकि समाज में पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। आप 1100 बोल रहे हो, कोई ऐसे भी हैं जो 100 भी नहीं दे पाते, और कई ऐसे हैं जो धन्ना सेठ, जो अगर मतलब कि अपनी पूरी कायनात भी लुटा दे तो वो भी कम है, क्योंकि भारत को हमेशा से सोने की चिड़िया कहा गया। हम दाता जजमान बच्चों वालों के आश्रय पे हैं, उन्हीं के घर से खाते हैं, उन्हीं के घर के फकीर है, तो ऐसा कहर ना गुजारिए। मालिक आपको खुशियां दे, आपके कारोबार में बाधा दे, बरकत दे। जैसे 1100 रुपए में फिक्स कर दिया गया है, 1100 रुपए में आप सहमत हो किसी का 1,00,000 रुपए देने का भी होता है, किसी का 100 रुपए देने का भी? देखिए हमारी सहमति असहमति तो तब होती है जब हमें इन चीजों में सम्मिलित किया गया हो, क्योंकि हमें तो पूछा ही नहीं ना गया, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा कसूर क्या है। अगर किसी एक किन्नर ने कहीं पे बदतमीजी की है, कोई गाली गलौच किया, कुछ गलत किया, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना। आप मतलब कि अगर हमारे शरीर के किसी अंग में कैंसर हो तो सिर्फ उस हिस्से को ही काटा जाता है, ना कि पूरी की पूरी गर्दन को कलम कर दिया जाता है। अगर किसी एक किन्नर ने गलत किया है, उसे सजा दो, कानून है, कानूनी प्रक्रियाएं हैं, आप उसके तहत उन्हें सजा दीजिए। मेरी तो रिक्वेस्ट है ऐसे तुगलकी फरमान ना निकालिए कि जो कि हम भी ना सहन कर पाए और कहीं ना कहीं हमारी आत्मा भी ना दुखे। जी सम्मेलन स्टार्ट हुआ है, 2 दिन का सम्मेलन है, क्या कहना? हाँ जी, सब मेरे गोहाना क्षेत्र वासियों को, भारत वासियों को, हरियाणा वासियों को नमस्कार। मैं अन्नू किन्नर गोहाना से। हमारे गोहाना में किन्नर समाज ने सम्मेलन करा हमारे गुरुजी ने। ये हमारा ये सम्मेलन एक पूरे समाज के लिए, भगवान सबको राजी खुशी रखे, परमात्मा रोजी रोटी में रिजक दे, बच्चे वालों के बच्चे जीते रहे, जितने मेरे देश के खिलाड़ी हैं, युवा वर्ग हैं, उनको नौकरी मिले, उनकी हर एक तमन्ना यहीं पूरी हो। हमारे देश के इतने अच्छे पढ़े लिखे विद्यार्थी दूसरे देशों में जाके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, इतना अच्छा हमारा इंडिया हो कि दूसरे देश के बच्चे यहाँ आके हमारे रोजी रोटी कमाए।